देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीपोजिशन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सिलेबस ऑफ एमडीएस यूनिवर्सिटी ऑफ जनरल पेपर ऑफ इंग्लिश एंड दिस इज द 8th वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्रीपोजिशन सो लेट्स बिगिन विद द प्रीपोजिशन देखो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी 7 वीडियोस प्रीपोजिशन टॉपिक पे देख चुके हैं और बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये और आप पढ़ते ही आ रहे हैं इसको बचपन से ही प्रीपोजिशन का हम लोग इवन हमारे स्पोकन में भी यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का आपको सबको पता चल गया कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है और बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो कंजंक्शन भी है तो ये है प्रीपोजिशन यहाँ आज की क्लास में बात करेंगे अप टू और टिल और अंटिल पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप टू और टिल और अंटिल देखो अप टू का मीनिंग होता है तक टिल और अंटिल का मीनिंग होता है जब तक विद टाइम समय के साथ ठीक है कोई ना कोई समय दिया हुआ होगा अप टू का यूज होता है तक उसमें होता है विद डिस्टेंस प्लेस एंड टाइम फिर चॉइस और फिट फॉर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है डिस्टेंस के लिए प्लेस के लिए टाइम के लिए चॉइस के लिए और फिट फॉर आप एग्जाम्पल देखो वह दिल्ली तक गया ये एक प्लेस है दिल्ली ही वेंट अप टू दिल्ली ही वेंट अप टू दिल्ली उसने 5 बजे तक फिल्म देख ली ही वॉच्ड मूवी अप टू 5 PM ठीक है या 5 AM कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो विश अकॉर्डिंग ही वॉच्ड मूवी अप टू 5 PM ऐसे ही आप डिस्टेंस का आपने देख लिया है ना सॉरी टाइम का आपने देख लिया आपने प्लेस का देख लिया डिस्टेंस में बना सकते हो चॉइस में बना सकते हो चॉइस का हम आपको बहुत ही कॉमन सेंटेंस बताते हैं हम यूज करते हैं सपोज आपसे कोई पूछे कि यार मैं तेरे साथ जाऊं या नहीं जाऊं क्या करूं मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्या बोलते हैं इट्स टोटली अप टू यू ये तेरी इच्छा है तेरी चॉइस है कि तेरे को जाना है या नहीं जाना इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू गो विद मी देन यू कैन है ना तो ये क्या होता है फिट फॉर मतलब उसकी चॉइस के लिए है और फिट फॉर के लिए जो तुम्हारे पे फिट हो रहा हो उसके लिए तो अप टू का एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं टिल और अंटिल पे बात करते हैं टिल और अंटिल इन दोनों का मीनिंग है जब तक क्या समय है ना प्लस समय मतलब उसमें कोई ना कोई टाइम दिया हुआ आएगा कुछ आपको दे दिया जाएगा कोई वीक का नाम दे दिया जाएगा है ना कोई भी आपको जो है ईयर का ईयर दे दिया जाएगा तो साथ में समय आएगा वहाँ यूज होता है टिल और अंटिल इन दोनों में ही ज़्यादा क्या कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों एक ही जैसे हैं ये बट अंटिल बहुत बार नेगेटिव सेंस में यूज हो जाता है बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है अंटिल और टिल देखो वहाँ तक वहाँ था आई वॉज देयर टिल मंडे मैं सोमवार तक वहाँ था तो सोमवार आ गया मतलब दिखाया है कुछ समय आई वॉज देयर टिल मंडे मैं 2005 तक वहाँ था I was there until 2005. उसने 3 बजे तक टीवी देखी He watched TV till 3 PM. देखो उसने 5 बजे तक फिल्म देखी उसने 3 बजे तक टीवी देखी सेंटेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है He watched movie up to 5 PM. He watched movie till PM. 3 PM. अब देखो उसने 5 बजे तक मूवी देखी और वो 5 बजे तक मूवी देख रहा था ही वॉच टीवी टिल 3 PM उसने 3 बजे तक टीवी देखी 3 बजे तक देखी उसने 5 बजे तक दोनों में ही तक आया है बट यहाँ अप टू यूज हो गया और वहाँ टिल यूज हुआ अब आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको जहाँ सूटेबल जहाँ आपको बोलने के सेंस में सूटेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं तो देखो अप टू का यूज होता है तब अप टू का जो हिंदी मीनिंग है वो तक विद डिस्टेंस प्लेस और टाइम चॉइस और फिट फॉर वह दिल्ली तक गया ये प्लेस हो गया दिल्ली तो ही वेंट अप टू दिल्ली उसने 5 बजे तक मूवी देखी ही वॉच्ड मूवी 5 PM मैं सोमवार तक वहां था आई वाज देयर टिल मंडे मैं 2005 तक वहां था आई वाज देयर अंटिल टिल कुछ भी आ सकता है 2005 उसने 3 बजे तक टीवी देखी ही वॉच्ड टीवी टिल 3 PM तो इन तीनों के यूज में कोई आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आप जिस अकॉर्डिंग आपको लगे कि क्या फिट हो रहा है वहाँ उस अकॉर्डिंग आप उसको फिट कर दें अब जैसे ये मैंने दो सेंटेंस बताए ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन वाले लगेंगे बट यहाँ दोनों का यूज़ हो सकता है ये वॉच मूवी
till 5 PM और he was moving up to 5 PM, ठीक है। प्रिपोजिशन जो है वो आपको ऑलमोस्ट हो गए हैं, फिर भी अगर कुछ रहेंगे बाकी तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपोजिशन का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, 9th वीडियो, अप टू और टिल अनटिल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसके जो एग्जांपल्स निकालेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस, प्लेस, टाइम, चॉइस, फिट फॉर, अप टू के लिए एग्जांपल निकालें, टिल अनटिल इनके लिए जब तक, समय के लिए एग्जांपल निकालें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।